नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव सानी फ्रॉम देव जी टेक्निकल चैनल से। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने भी यूट्यूब वीडियो पे व्यूज को बढ़ाने के लिए फेसबुक पे जरूर शेयर किया होगा, लेकिन फिर भी आपके वीडियो पे व्यूज बहुत ही कम आते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो को फेसबुक पे शेयर करते हैं, उस टाइम आपके यूट्यूब वीडियो की छोटी सी लिंक केवल फेसबुक पे शेयर होती है, जिस वजह से आपके फ्रेंड का ध्यान आपके वीडियो के लिंक पे नहीं जाता है और उस पर वो क्लिक भी नहीं करते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि आपने फेसबुक पे क्या शेयर किया है, जिस वजह से आपके फ्रेंड उस वीडियो को नहीं देख पाते हैं और आपका व्यूज नहीं बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो को फेसबुक पे शेयर करेंगे, वो भी फुल लार्ज थंबनेल के साथ। जैसा कि आपको यूट्यूब पे वीडियो दिखाई देता है, उसी तरह से बिल्कुल फेसबुक पे भी दिखाई देगा और आपके फ्रेंड का ध्यान भी अच्छे से उस पर जाएगा और उन लोगों को भी समझ में आएगा कि आपने फेसबुक पे क्या शेयर किया है और वो लोग भी उस वीडियो को आसानी से क्लिक करके देख पाएंगे। चलिए, इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल्स में बता देते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए इस घंटे को जरूर दबाइए। तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब आपको अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो को लास्ट थंबनेल के साथ फेसबुक पे शेयर करने के लिए सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना है। तो जल्दी से हम अपना यूट्यूब चैनल लॉगिन कर लेते हैं। आपका जो भी ईमेल पासवर्ड होगा, आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेंगे। चलिए, यहाँ पर हम अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद अब आपको अपने यूट्यूब चैनल के क्रिएटर स्टूडियो में चले जाना है। तो राइट साइड में आपको यहाँ पे आपके चैनल का आइकॉन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको क्रिएटर स्टूडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है तो आपके YouTube चैनल का क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, क्रिएटर स्टूडियो ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में वीडियो मैनेजर दिखाई देगा, यहाँ पे आपको अपने चैनल के वीडियो मैनेजर में चले जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपके चैनल की सारी वीडियो दिखाई देंगे। तो आपको अपने वीडियो मैनेजर में चले जाना है। तो दोस्तों, वीडियो मैनेजर को ओपन करने के बाद अब आपको उस वीडियो को एडिट करना है, जिस वीडियो को आप फेसबुक पे लास्ट थंबनेल के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए एक वीडियो को एडिट करके यहाँ पे फेसबुक पे शेयर करके दिखा देता हूँ। तो मेरी एक वीडियो है, मैं इसको एडिट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, मोनेटाइजेशन, एडवांस सेटिंग। तो आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे नीचे कुछ और ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन है अलाउ इम्बेडिंग, तो ये चेक रहेगा तो आपको इसको अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद आपको अपनी वीडियो को यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। वीडियो को सेव चेंज पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो की लिंक को कॉपी कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियो URL, आपको यहाँ पे वीडियो का URL मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस URL को कॉपी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इतना प्रोसेस आपको अपने YouTube चैनल पे कर लेना है। उसके बाद आपको अपने ब्राउजर में न्यू टैब को ओपन करना है और यहाँ पे गूगल में टाइप करना है फेसबुक डिबगर। फेसबुक डिबगर टाइप करके सर्च करना है तो आपके स्क्रीन पे पहली लिंक आ जाएगी, डिबगर फेसबुक फॉर डेवलपर्स। तो इसको क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ लॉगिन का बटन आएगा, तो आपको अपने फेसबुक आईडी से इसको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपना फेसबुक आईडी और पासवर्ड इंटर करके यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करके फेसबुक में लॉगिन हो जाना है। तो फ्रेंड्स, फेसबुक में आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद अब आपको यहाँ पे फेसबुक फॉर डेवलपर्स का पेज ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे शेयरिंग डिबगर का ऑप्शन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ पे इंटर ए URL का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स, आपने अपने वीडियो का जो URL कॉपी किया था यहाँ से यूट्यूब चैनल में जाकर, यहाँ से जो कॉपी किया था, आपको इस वीडियो का URL यहाँ पे जो है पेस्ट करना है। तो चलिए पेस्ट कर देते हैं। वीडियो का URL यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिबग का बटन मिल जाएगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, डिबग बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा, दिस URL हैज नॉट बीन शेयर्ड ऑन फेसबुक बिफोर, फेच न्यू इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे फेच न्यू इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, फेच न्यू इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपके YouTube वीडियो का जो है लास्ट थंबनेल यहाँ पे शो होने लगेगा। अब आप इस वीडियो को कहीं भी शेयर करेंगे तो इस तरह से आपकी वीडियो फेसबुक पे लास्ट थंबनेल के साथ शेयर होगी। तो आपको अपने वीडियो का URL यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसको जाके फेसबुक पे जो है पेस्ट कर देना है। तो चलिए, हम अपना फेसबुक ओपन करके वहाँ पे इसको पेस्ट करके आपको इसका लास्ट थंबनेल दिखा देते हैं। तो आपको अपना फेसबुक ओपन करना है, अपनी फेसबुक प्रोफाइल को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपने जो यूट्यूब वीडियो के लिंक को कॉपी किया था आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड, जैसे मैंने लिंक को यहाँ पे पेस्ट किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी यूट्यूब वीडियो का यहाँ पे लास्ट थंबनेल शो हो रहा है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यूट्यूब पे आपका वीडियो का थंबनेल शो होता है, ठीक उसी तरह से अब आप अपने यूट्यूब वीडियो को जो है फेसबुक पर भी लास्ट थंबनेल के साथ शेयर कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके फ्रेंड्स आसानी से समझ जाएंगे कि आपने फेसबुक पे क्या शेयर किया है और वो लोग आपकी वीडियो पे क्लिक करके आपकी वीडियो को भी देख पाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये डायरेक्ट youtube.com से जो है ये लिंक आई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका व्यूज भी जो है यूट्यूब पे बढ़ने लगेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने यूट्यूब वीडियो को फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं लार्ज थंबनेल के साथ और इससे आपके फ्रेंड जो है आपकी वीडियो को आसानी से देख पाएंगे और आपकी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज भी आने लगेंगे। तो फ्रेंड्स ये काफी अच्छा तरीका था जो कि मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया कि आप कैसे अपने YouTube वीडियोज को लार्ज थंबनेल के साथ फेसबुक पर शेयर कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको शेयर बटन मिल जाएगी, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है तो आपकी वीडियो जो है इतने बड़े थंबनेल के साथ जो है पोस्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपका फ्रेंड कोई भी देखेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने इसको पोस्ट किया तो मेरा जो है वीडियो यहाँ पे लार्ज थंबनेल के साथ जो है पोस्ट हो चुका है और एक देखने में काफी जो है बड़ी दिख रही है। तो यहाँ पे मेरा फ्रेंड कोई भी क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपकी वीडियो प्ले होने लगेगी। तो फ्रेंड्स आपकी वीडियो पे व्यूज भी अच्छे खासे आने लगेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताया कि आप कैसे अपने YouTube चैनल की वीडियो को लार्ज थंबनेल के साथ Facebook पे शेयर करेंगे, क्योंकि फ्रेंड जब आप अपने YouTube चैनल की वीडियो को शेयर करते हैं Facebook पे तो वो काफी छोटी लिंक के साथ शेयर होती है जिससे कि आपके फ्रेंड का ध्यान आपकी वीडियो पे नहीं जाता है और उस पर क्लिक करके देखते भी नहीं है, जिस वजह से आपकी वीडियो पे व्यूज बहुत कम आता है। लेकिन इस वीडियो की हेल्प से अब आप बहुत ही आसानी से अपने YouTube चैनल की वीडियो को लार्ज थंबनेल के साथ शेयर कर सकते हैं Facebook पे, जिससे कि आपके फ्रेंड का ध्यान आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो के लिंक पे जाएगा और वो लोग आसानी से क्लिक करके उसे ओपन कर देख भी पाएंगे, क्योंकि आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो के लिंक का थंबनेल काफी बड़ा दिखाई देगा जिससे कि आपके फ्रेंड को समझ में आ जाएगा कि आपने क्या शेयर किया है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो की मदद से अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो को लार्ज थंबनेल के साथ फेसबुक पे शेयर कर सकें। और फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आपको स्क्रीन पे हमारा यूजर आईडी दिखाई देगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाइए, हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे भी हम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते रहते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो फ्रेंड्स हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। और फ्रेंड्स यदि आपने देवजी टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो के नीचे लाल कलर की सब्सक्राइब बटन दिखाई देगी, वहाँ पे क्लिक कीजिए, देवजी टेक्नोलॉजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आएगा छोटा सा घंटे का, उसको भी क्लिक किया कीजिए ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी आने वाली वीडियो को भी आसानी से देख पाएं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें हंसते रहें खेलते रहें सीखते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।